आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला बार एसोसिएशन की नए कार्यकारिणी के लिए शुक्रवार 9 फरवरी को मतदान हुआ, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर हेम सिंह मोहत्ता, उपाध्यक्ष नरेंद्र बेलसरे, महिला उपाध्यक्ष शीतल राउत तथा संयुक्त सचिव पद पर दुष्यंत धोत्रे ने जीत हासिल की। इन सभी का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा। मानसून में देरी के चलते इस साल खरीफ सीजन में बुआई में देरी हुई, फिर बेमौसम बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। नतीजतन कपास और सोयाबीन के साथ ही तुअर के उत्पादन में भी भारी कमी आई है। कृषि उपज मंडी में भले ही फिलहाल तुअर की आवक कम है, लेकिन पिछले मौसम से तुलना करें तो इस बार तुअर के उत्पादन में 70% की गिरावट देखी जा रही है। राज्य के राजस्व मंत्री एवं अकोला जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल का शनिवार 10 फरवरी को अकोला में आगमन हो रहा है। पालक मंत्री दो दिनों तक जिले के विविध विकास कामों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे, जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बने नए सौंदर्यीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। शहर में बड़े पैमाने पर बुलेट साइलेंसर बदलकर उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, इससे बुलेट की आवाज में बदलाव आ जाता है। साथ यह आवाज लोगों के कानों के लिए अब सिरदर्द बन रहा है। मगर इस प्रकार की ओर यातायात पुलिस की अनदेखी से बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर की संख्या बढ़ने से साथ ही उससे निकाले जा रहे पटाखों की कर्कशता आवाज भी नागरिकों को सुननी पड़ रही है। राज्य सरकार ने सिंधखेड़ राजा इंटरचेंज से समृद्धि राजमार्ग के शेगांव तक भक्ति मार्ग को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सरकार ने बुधवार को एक फैसला जारी किया है, जिसके जरिए सरकार ने कहा है कि वो भक्ति हाईवे के फाइनल डिजाइन को मंजूरी दे रही है। समृद्धि हाईवे की शुरुआत के बाद सरकार की नीति है कि हर जिले के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाले इस हाईवे का निर्माण किया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ओबीसी समाज के बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने वाले सांसद राहुल गांधी का अकोला भाजपा की ओर से जाहिर निषेध किया गया और राहुल गांधी के फोटो वाले पोस्टर को महिलाओं द्वारा जूते मारकर यह निषेध दर्शाया गया। इस निषेध आंदोलन में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में 14 फरवरी को सुबह 10 बजे के दौरान 38वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में प्रदेश के कुलपति अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के कृषि मंत्री नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महासंचालक व उपकुलपति उपस्थित रहेंगे। जिले में प्रतिबंधित गोवंशों की तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों पर अंकुश रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने क्राइम ब्रांच को सूचना दी थी। शुक्रवार 9 फरवरी को रामदासपेट पुलिस थाना क्षेत्र में कागजीपुरा व मोमिनपुरा परिसर में नाकाबंदी कर दो वाहनों में फंसे गए 25 गोवंशों को रेस्क्यू किया गया। स्थानीय आलसी प्लाट के श्री रामदेव बाबा मंदिर में माघ सुदी दुज रविवार 11 फरवरी को भगवान श्री रामदेव बाबा उत्सव उपलक्ष्य में सुबह 7 बजे अभिषेक हवन और दोपहर 12 बजे व शाम आरती होगी। इस अवसर विख्यात जम्मा कथा गायक राजेश सोमानी की सुमधुरवाणी में कथा रविवार को शाम 4 बजे से शुरू होगी, जिसका लाभ लेने की अपील की है। कई राज्यों में कपास बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन बीटी बीज पर प्रतिबंध लगने से किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा बन रही है। इसलिए सांसद भावना गवली ने संसद के बजट सत्र में किसानों के हित के लिए देश में HTBT बीज की अनुमति देने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।